Assalamu alaikum. Today our lecture is lecture 12 and topic is inside an egg. ठीक है. अच्छा बच्चों, ये आज हम पढ़ेंगे एग के अबाउट, एग के इंटरनल स्ट्रक्चर में, कि एग में जो है अंदर क्या कुछ मौजूद है क्या, क्योंकि अगर हम एग खाते तो सब है लेकिन हमें पता नहीं होता क्या चीज़ है, किस तरह से है, क्या इसका काम है. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है शेल मेम्ब्रेन. अब शेल मेम्ब्रेन ढूंढने चलते हैं इधर. ठीक है, ये शेल मेम्ब्रेन है. शेल मेम्ब्रेन क्या है, एक थिन वाइट स्किन है. क्या है, थिन वाइट पतली सी झिल्ली है स्किन अंडर द शेल, शेल के अंदर. जैसे हम एग बॉयल करते हैं ना, एग बॉयल करने के बाद वो एक ब्रीक सी झिल्ली होती है, कभी वो छिलके के साथ ही उतर जाती है और कभी वो ऐसे एग के ऊपर होती है, फिर हम उसे उतार देते हैं, बिल्कुल बारीक वो होती है शेल मेम्ब्रेन. ठीक है. अच्छा, उसकी टू टाइप्स हैं. ठीक है, क्या है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन शेल मेम्ब्रेन की. एक इनर पे और एक आउटर पे. नेक्स्ट है एयर सेल. एयर सेल ये वाली जो जगह नहीं, एयर सेल है. हमें नाम से पता चल रहा है कि एयर सेल क्यों है, ये एयर के लिए, एयर एंटर होने के लिए. ठीक है, यहाँ से जो जो भी ए चिकन होगा, हैन बेबी होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से हवा लेने के लिए इस जगह को यूज़ करते हैं, एयर सेल को. समझ आ रही, क्योंकि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, सांस लेने की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो यहाँ से हवा एंटर होगी और उसको सांस लेने में आसानी होगी. फिर यहीं से जब जो चिकन जो है एग से बाहर आता है तो वो भी यहीं से निकलता शुरू होता है. ठीक है, फर्स्ट में वो यहीं से निकलना स्टार्ट होगा, एयर सेल्स, मतलब ये खाली स्पेस है. द एयर सेल इज फॉर्म्ड व्हेन द फ्रेशली लेड एग्स बिगिन टू कूल डाउन. ठीक है, ये देखें, द चिक इनसाइड पंचर्स द एयर सेल एंड बिगेंस टू ब्रीथ फॉर द फर्स्ट टाइम. ये एयर सेल का काम है कि एयर सेल हमारे किस यूज में आती है. नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन इज द साइंटिफिक नेम फॉर द वाइट ऑफ एग, जो अंडे की सफेदी होती है उसका जो साइंटिफिक नाम है, साइंस ने जो नाम दिया वो दिया एल्ब्यूमिन. ठीक है, एल्ब्यूमिन के कितने टाइप्स हैं, एल्ब्यूमिन के टू टाइप्स हैं, थिक एंड थिन. और एल्ब्यूमिन किस चीज़ से बना होता है, वाटर एंड प्रोटीन से, वाटर और प्रोटीन से एल्ब्यूमिन बना होता है. नेक्स्ट है योक. योक कहते हैं हम जर्दी को. योक इज इन द सेंटर ऑफ द एग. क्या है योक, सेंटर एग का. इट इज़ येलो एंड मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स. अब आपसे पूछा जाएगा क्या डिफरेंस है एल्ब्यूमिन के बनने में और इसमें, तो एल्ब्यूमिन वाटर और प्रोटीन से बना है और योक किससे बना है, प्रोटीन एंड फैट से बना. और ये किस चीज़ में हेल्प देगा, इट हेल्प्स द लिटल चिकन टू ग्रो इनसाइड द एग. चिकन को बढ़ने में मदद देता है ताकि वहाँ से उसको प्रोटीन और फैट्स मिल रही होती है. जर्मिनल डिस्क मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें. जर्मिनल डिस्क इज एन ओपनिंग इन द योक वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. जर्मिनल डिस्क जो है वो छोटी सी है, बिल्कुल ये देखें एग के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जर्मिनल डिस्क. ठीक है, ये जर्मिनल डिस्क का क्या काम है, किस लिए होती है, यहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होना शुरू होती है. ठीक है, योक, ये योक में ओपनिंग, इट इज़ एन ओपनिंग इन द योक. किधर ओपनिंग होगी, योक में ओपनिंग होगी इसकी. और ये क्या स्टार्ट, इधर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है, यहाँ पे चिकन बनने का प्रोसेस होता है, चिक बनने का प्रोसेस होता है, तो वो यहीं से स्टार्ट होगा. ठीक है, अब है चलाजा. चलाजा इज थिन वाइट स्ट्रैंड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द एग. ये स्ट्रैंड है, ये देखो, ये यहाँ से ये देखो, ये चलाजा क्या किया हुआ इसने, इसको अंडे को, उसको जर्दी को अंडे से पकड़ा हुआ है. क्योंकि आपको पता है ना, आज की जर्दी सिर्फ गोल होगी, यूँ नहीं होता कि आगे खुल के आगे पीछे भी खिड़ती फिर. ठीक है, तो ये स्ट्रैंड, ये चलाजा, इन चलाजा ने उसको पकड़ा हुआ.
ठीक है, जलाजा इज द थिक वाइट स्ट्रैंड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द एग, इट होल्ड्स द योक इन प्लेस। ठीक है, इसने योक को क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, जलाजा स्ट्रैंड्स बने हुए धागा में। अब हम देखते हैं अपने डायग्राम ढूंढते हैं, इसमें जो जो हमने पढ़ा वो सब कुछ है। अच्छा, एयर सेल तक ढूंढ लिया था हमने, अब नेक्स्ट जो है वो है एल्ब्यूमन। एल्ब्यूमन को ढूंढते हैं, एल्ब्यूमन किधर है। ये देखिए, एल्ब्यूमन की टू टाइप्स थी, एक थिक और एक थिन। जो थिक है वो ये है और जो थिन है वो ये है। अब है योक और जर्मिनल डिस्क। योक ये देखिए, ये योक ही है दरमियान में चलते, ठीक है, और जहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी ये जर्मिनल डिस्क। फिर है चलाजा, ये चलाजा, ये स्ट्रैंड्स, ये भी चलाजा है और ये भी चलाजा, ठीक है। और ये क्या है, योक मेम्ब्रेन, और ये योक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस देख लें, अब क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग के लिहाज से भी, आज तो मैं शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर करवाऊंगी आपको, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के लिहाज से। व्हाट इज़ द शेल मेम्ब्रेन, आंसर लगाएं। द शेल मेम्ब्रेन इज द थिन वाइट स्किन जस्ट अंडर द शेल, देयर आर टू मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। बस यहाँ पर ये दरमियान से कट कर देंगे, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट एयर सेल, तो यहाँ से करेंगे द एयर सेल, ये तो पूरा करेंगे आप एयर सेल को। द एयर सेल इज फॉर्म्ड व्हेन द फ्रेशली लेड एग्स बिगिन टू कूल डाउन, द चिक इनसाइड पंचर द एयर सेल एंड बिगेंस टू ब्रीथ फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर वाइट ऑफ द एग, ये वाली लाइन करेंगे। एल्ब्यूमिन इज द साइंटिफिक नेम फॉर द वाइट ऑफ द एग। अच्छा, व्हाट इज द योक, योक इज इन द सेंटर ऑफ एग, इट इज येलो एंड मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। यहाँ तक ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मिनल डिस्क, यहाँ से करेंगे, इट इज, ये तो पूरा ही करेंगे, एक ही लाइन है। इट इज़ एन ओपनिंग इन द योक वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाट इज चलाजा, लास्ट है, चलाजा इज अ थिक वाइट स्ट्रैंड एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द एग, इट होल्ड्स द योक इन अ प्लेस। इधर तक ठीक है बच्चों, 6 क्वेश्चन आप आपके लेक्चर के, और ये आपने शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर करना होता है और लॉन्ग के लिहाज से प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। और अपना वर्क फ्राइडे को सबमिट करवाएंगे आप स्कूल में, और लाजमी करेंगे और सबमिट करवाना, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।